इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रविवार को दबिश देकर पुलिस ने जिन 11 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था, इस मामले में एक बड़े अब खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार की रात पुलिस की होटल चेकिंग के दौरान मिली सूचना पर होटल में छापा मारकर कार्रवाई कर युवतियों और दो दलालों सहित 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में होटल मालिक पर भी प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस के सामने ये जानकारी भी आई है कि होटल में ये गोरखधंधा पिछले 3 महीने से चल रहा था। दरअसल होटल पर दबिश के दौरान जिन दो दलालों को गिरफ्तार किया गया था, उनके तार पिछले साल की बड़ी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, जिनमें पुलिस ने अवैध तरीके से बांग्लादेश से लाई गई युवतियों सहित कई लोगों पर शिकंजा कसा था। सेक्स रैकेट पकड़ा है, उसमें मुझे पूछताछ से पता चला है कि जो हमने जो पहले एक सितंबर 20 में एक सेक्स रैकेट पकड़ा था, उसके जो मुख्य आरोपी थी मीना और एक सेजल वगैरह जो थे, उनका जो ऑटो ड्राइवर था जो लड़कियों को लाता ले जाता था वो, और एक जो आरोपी थी उसका लड़का, ये दोनों लड़के फ्री थे। इनके जेल में जाने के बाद में इन लोगों ने दूसरे जो एजेंट वगैरह से संपर्क करके इनने अभी पिछले 2 महीने से फिर से धंधा चालू कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने अभी अरेस्ट किया, 5 लड़कियाँ मिली। 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों की जो आईडी मिली वो संदिग्ध है, वो बंगाल और मुंबई की है। उनकी जांच की जा रही है, प्रथम दृष्टया वो थोड़ी संदिग्ध लग रही हैं, उनकी जांच अभी जारी है।